मॉर्निंग आई कम फॉर अ वॉक और फॉर अ साइकिलिंग, जो दिन की शुरुआत होती है दैट्स अमेजिंग। एंड स्पेशली अगर ऐसा बारिश का मौसम हो एंड इफ़ यू आर कमिंग फॉर अ वॉक एंड साइकिलिंग, योर डे विल स्टार्ट विद सुपर हाई एनर्जी एंड फुल ऑफ पॉजिटिविटी। साइकिलिंग एंड वर्कआउट इज डन एंड नाउ इट्स टाइम फॉर बनाना शेक। तो सबके लिए मैं ही बनाना शेक बनाता हूँ एंड इंग्रेडिएंट्स आर रेडी। तो सबसे पहले ये सारे मैंने कल भिगो लिए थे। दिस इज किशमिश, अंजीर, बादाम, अलसी, गुड फॉर ओमेगा 3, बनाना एंड ऑफकोर्स अ मिक्सर ग्राइंडर एंड ऑफकोर्स मिल्क। तो बताना मैं भूल ही गया, तो मिल्क इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन्ग्रीडियंट। तो शेक इज डन और अब सबको सर्व करना है, नहाना है और उसके बाद मेरे स्प्राउट्स भी रेडी है। तो नहाने के बाद दिस वुड बी माई ब्रेकफास्ट और देन हम पढ़ने बैठेंगे। सो इट वॉज ग्रेट स्टार्ट फॉर अ डे। ब्रेकफास्ट हो चुका है एंड माई स्प्राउट्स आर रेडी विथ मी और आई एम ऑन स्टडी टेबल और इट्स अराउंड 8:30, तो आई एम नॉट लेट, आई एम ऑन टाइम। तो सबसे पहले आई हैव प्लान टू टेक करंट अफेयर्स क्लासेज। एज माइंड इज फ्रेश तो हमें ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली वाइल द लाइव क्लास चीज़ें याद होती रहेंगी। वी नीड नॉट टू मेक नोट्स ऑफ द करंट अफेयर क्लासेज, तो दैट द फर्स्ट थिंग। देन आई हैव प्लान माई मैथ्स क्लास। सबसे पहले आई विल रिवाइज द वॉट आई हैव स्टडीड यस्टरडे और उसके बाद मैं थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगा एंड ऑफकोर्स लाइव क्लास विल बी देयर। तो दिस इज़ हाउ मैं मैथ्स को करने वाला हूँ। आफ्टर मैथ्स आई हैव प्लान जी एस में सबसे मैं पॉलिटी करूँगा। एज माई फेवरेट इन जी एस इज़ पॉलिटी, तो पॉलिटी की क्लास होगी। एंड ऑफकोर्स हर क्लास से पहले 15 मिनट में रिवाइज करता हूँ वॉट हैव स्टडीड यस्टरडे, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो साथ साथ में रिविजन भी चलता रहेगा। एंड आफ्टर जी एस क्लास मैं इंग्लिश की क्लास करूँगा। ऑफकोर्स इंग्लिश में मैंने ग्रामर का पोर्शन कम्प्लीट कर लिया है, तो आई विल प्रैक्टिस द क्वेश्चन और स्पेशल क्लासेज में क्वेश्चन भी प्रैक्टिस होते हैं अनअकेडमी पे, सो आई विल डू दैट। एंड आफ्टर दैट आई हैव प्लान साइंस। तो साइंस में बहुत हाई लेवल साइंस नहीं आती है एनडीए में, तो आई विल रिवाइज द बेसिक कंसेप्ट विच आई हैव स्टडीड और कंसेप्ट के बाद आई विल सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। एंड आफ्टर दैट ऑलमोस्ट इन द इवनिंग इट इज़ माय फ्री टाइम एंड एट नाइट आई विल डू द प्रैक्टिस वॉट एवर आई हैव स्टडीड इन द डे टाइम। जो भी मैंने पढ़ा है थोड़ी प्रैक्टिस होगी और कुछ टाइम अल्टरनेट डेज पे या वंस इन अ 3 डे मॉक टेस्ट भी दे देता हूँ मैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम प्रैक्टिस होती है। और एट नाइट आई यूजुअली अवॉइड बींग इन अ फ्रंट ऑफ अ स्क्रीन, तो नींद थोड़ी अच्छी आए तो स्क्रीन अवॉइड करता हूँ। एंड ऑफकोर्स वन थिंग कि इफ़ यू आर स्टडिंग ऑनलाइन तो इट इज़ बेटर टू प्रोटेक्ट योर आइज, तो ब्लू कट लेंसेज आई विल हाईली रिकमेंड कि आप ये यूज़ करें तो आइज भी थोड़ी सेफ रहेंगी बिकॉज इट्स इम्पॉर्टेंट। तो लेट्स टेक करंट अफेयर क्लासेस। तो करंट अफेयर क्लासेज डन और करंट अफेयर्स के लिए जो भी हेडलाइंस में टॉपिक्स है, जैसे आज के हेडलाइन में एक नीति आयोग आया था, तो नीति आयोग अगर हेडलाइन में आया तो वी शुड ऑल्सो कवर द स्टैटिक पार्ट अबाउट दैट नीति आयोग और वॉट एवर टॉपिक हैव कम इन हेडलाइंस। तो नीति आयोग आया था तो वी शुड नो हु इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, हु इज द सीईओ ऑफ द नीति आयोग, तो कुछ ऐसा। एंड नाउ आई एम ऑल सेट फॉर द मैथ क्लास। तो 2 आवर्स की सिटिंग होगी, तो वाटर बॉटल मेरे साथ में है एंड लेट्स स्टार्ट मैथ क्लास। सो फाइनली मैथ क्लास इज ओवर, इट वॉज अ बिग सेशन और कंसेप्ट आर क्लियर और नाउ इट्स टाइम टू प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस अगर हम नहीं करेंगे तो कंसेप्ट धीरे धीरे दिमाग से निकलते रहेंगे। तो नाउ पीरियड ऑफ मैथ इज ओवर एंड नाउ इट्स टाइम फॉर जीएस एंड बिफोर दैट 30 मिनट्स ब्रेक इन विच लंच करेंगे हम, थोड़ा इधर घूमेंगे फिरेंगे, थोड़ी बातचीत होगी। तो फाइनली लंच इज ओवर एंड इट्स टाइम फॉर जीएस। तो ऑलमोस्ट 2 आवर्स मैंने जीएस को डेडिकेट किए हैं और जीएस के लिए आई एम नॉट रेफरिंग एनी बुक, मैं प्लस सब्सक्राइबर हूँ अनअकैडमी का, तो आई एम जस्ट टेकिंग द क्लास और जो क्लास के नोट्स आई थिंक दैट आर इनफ, क्योंकि आई हैव ट्राइड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो क्लास के नोट्स आर इनफ। एंड जीएस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन बिकॉज ऑलमोस्ट 200 मार्क्स आर देयर इन सेकेंड एग्जामिनेशन। सो लेट्स स्टार्ट। आज मैंने टारगेट बनाया कि आई हैव टू कम्प्लीट फंडामेंटल राइट्स, तो आज उसी की क्लास लेते हैं पहले, देन हल्का से रिविजन और पहले ऑफकोर्स 15 मिनट थोड़ा सा कल का रिविजन। दैट्स ऑल।
तो जीएस के लिए मैंने 2 घंटे दिए थे, लेकिन वो अभी काफ़ी पहले पूरी हो गई, ऑलमोस्ट 45 मिनट्स आर लेफ्ट। और अभी बाहर हो रहा है बहुत प्यारा मौसम, मतलब मानसून की पहली बारिश आई है आज, और बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है। अभी तो गाने याद आ रहे हैं, ये बारिश का मौसम। तो अभी थोड़ी देर इधर ही ऐसे बैठ के रिलैक्स होते हैं, इन्जॉय द रेनफॉल, एंड उसके बाद इंग्लिश पढ़नी है तो वी विल टेक केयर ऑफ इट। अभी तो 45 मिनट्स आर रिमेनिंग, तो अगेन मेरा जो मैं 3 बजे पढ़ने बैठने वाला हूँ, तो वेट फॉर दैट थिंग। सो नाउ टाइम इज 3 PM एंड नाउ इट्स टाइम फॉर सॉल्विंग इंग्लिश प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। फॉर दैट आई एम हैविंग रिशाज 14 ईयर PYQs, एंड एक्चुअली आई एम ऑल्सो हैविंग सेम बुक फॉर द मैथ्स। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट, और पावर कट है अंदर, इसलिए आई एम सिटिंग आउटसाइड, तो थोड़ा रोशनी रहे, अंदर थोड़ा अंधेरा है, सो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, एंड लेट्स स्टार्ट। सो बेस्ट थिंग टू ईट इन रेनी सीजन आफ्टर पकौड़े, इट कम्स भुट्टा। तो बाहर बारिश का मौसम है, भुट्टा खाते हैं, शाम वैसे हो चुकी है, तो चलते फिर से थोड़ा सा साइंस का रिवीजन कर लेंगे, और साथ में मूड़ी भी है, वो बाहर बैठ के थोड़ी सी साइंस, एंड देन शाम के टाइम की पढ़ाई ख़त्म, फिर शाम के टाइम रिलैक्स, थोड़ा साइकिलिंग जाएंगे, थोड़ा बातचीत वगैरह करेंगे दोस्तों से, पेरेंट्स से, और उसके बाद मिलते हैं, उसके बाद सीधा रात को होगी पढ़ाई। अब तो बाहर चलते हैं। साइंस के जो PYQs और रिवीजन करने थे, दैट इज़ डन, और मम्मी पापा के साथ थोड़ी सी बातचीत करके आई एम अगेन ऑन माय साइकिल, और यहाँ पे मैं खेत में आता हूँ दूध लेने, तो एंजॉय द व्यू ऑफ द फार्म। तो इन माय क्लास 10th आई वाज इन केंद्रीय विद्यालय BSF पोकरण, द न्यूक्लियर सिटी ऑफ इंडिया, जहाँ पे पहला न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, इन जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। सो उस टाइम व्हेन आई वाज इन क्लास 10th हम इनवाइट किए गए थे आर्मी के द्वारा, तो वी गॉट टू चांस टू विजिट द आर्मी कैंपस, एंड उन्होंने पूरा मतलब हमें बताया था हाउ वी कैन जॉइन द आर्मी, व्हाट आर द बेनिफिट्स, एंड देयर आई गॉट टू नो कि आर्मी व्हाट इज़ द लाइफ इन आर्मी, और द प्राइड एंड द ऑनर इन वियरिंग दैट यूनिफॉर्म एंड लिविंग अ लाइफ लेस ऑर्डिनरी। सो दैट टाइम आई डिसाइडेड दैट I want to join army and I will join army, and best entry after class 12 for the PCM student is of course NDA, and the process of learning never stops in army because we get to chance ki hum pura India mein kahin bhi matlab hamara transfer hote rehte hain, pura India ko dekh payenge, jo technology hum use karenge, and of course the pride of serving the nation and wearing that uniform is just great. So from that day when I got admission in 11th class, so उस time मैंने मतलब पूरा अपना मन बना लिया था कि I am going to give NDA exam और मुझे NDA में ही जाना है। हाँ भाई, क्या हाल है, मक्का खा रहे हो? तेरे को तो आर्मी डे कब मनाते हैं? 15 जनवरी। और क्यों मनाते हैं? क्योंकि उस दिन फील्ड मार्शल KM करियप्पा ने इंडियन आर्मी का चार्ज लिया था, 1947 में इंडियन आर्मी का चार्ज लिया था जनरल फ्रांसिस से। तो दिस वाज माय फ्रेंड, और नहा चुके हैं, पूजा वगैरह हो गई, डिनर इज़ डन, और अब है सबसे लंबी सिटिंग का टाइम। अब हम मैथ्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो आज कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने दिन में पढ़ा था, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के ही मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करूँगा आज, तो पहले वो कर लेते हैं। अब सोने का टाइम है ऑलमोस्ट, और सोने से हाफ एन आवर पहले तक मैं पढ़ता हूँ कुछ बुक्स, सो दीज आर माई। तो ये जो है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, आपको बाहर से देख के लग रहा होगा कि मतलब दोस्त बनाना के बुक कैसे सिखा सकती है, तो हम खुद बोलेंगे उनसे, खुद सीखेंगे, और मतलब इसमें समथिंग कुछ रटाने वाला होगा, तो मैंने भी पहले ऐसे सोचा था, बट दिस बुक इज़ टोटली डिफरेंट। इसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है विद ग्रेट एग्जाम्पल्स, और मतलब लॉन्ग एग्जाम्पल डिटेल में, कि मतलब छोटी छोटी चीज़ों से हाउ वी कैन इंक्रीज, हाउ वी कैन इम्प्रूव आर कम्युनिकेशन स्किल्स, और काफ़ी सही बुक है, आई विल रिकमेंड, अगर आपके पास टाइम है तो आप ज़रूर पढ़िए।
एंड बिकॉज फर्स्ट हर्डल इज टू क्लियर एनी रिटन एग्जामिनेशन. सो अगर किसी की हॉबी है तो यू कैन गो फॉर इट. एंड देन कम्स दिस इकिगाई. तो ये जापानीज बुक है, ये मैंने कंप्लीट नहीं किया, अभी स्टार्ट किया पढ़ना. तो इनके बारे में भी बहुत सुना है इसके बारे में. इकिगाई मीन्स द रीज़न दैट एवरी मॉर्निंग यू गेट आउट ऑफ योर बेड. मतलब इट इज़ अबाउट कि आपका पैशन, आपके पैशन ढूंढने के लिए है और आपको मतलब वॉट इज़ द रीज़न दैट ड्राइविंग यू, तो उसके बारे में है इकिगाई. तो यू कैन कंसिडर दिस ऑल्सो. एंड नाउ जिस बुक के लिए मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड था और अभी भी हूँ, मैंने अभी कंप्लीट नहीं करी है, ये दो दिन पहले आई है, द ब्रेव परमवीर चक्र स्टोरी. तो जैसे ही बुक आई सबसे पहले मैंने शेरशाह का चैप्टर खोला, कैप्टन विक्रम बत्रा परमवीर चक्र इन 1999 कारगिल वॉर. सो उनका चैप्टर खोला और मतलब जो इस बुक में पूरा मतलब जो अपन को एक मूवी फील दे सकती है उससे भी बढ़िया फील मुझे इस बुक में लगा. और डिफेंस एस्पिरेंट को तो ये पढ़नी ही पढ़नी चाहिए. जो मोटिवेशन आपको मिलेगा इस बुक से एंड जो नॉलेज है ऑफ कोर्स, तो बहुत बढ़िया है. तो हाईली रिकमेंडेड. सो दैट वाज ऑल फॉर द डे एंड नाउ इट्स टाइम फॉर बुक रीडिंग एंड देन यू विल स्लीप. एंड बिसाइड द टाइम टेबल मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज द टारगेट टेबल. तो कल के जो मैंने आज के लिए जो टारगेट बनाए थे कल वो कंप्लीट हो चुके हैं. कल के लिए आई एम रेडी विथ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड पॉलिटी में DPSP, इंग्लिश में वापस PYQ सॉल्व करने, साइंस में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का रिवीजन प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. एंड फॉर मोटिवेशन ऑन माय टेबल आई हैव दिस फोटो ऑफ नेशनल डिफेंस अकेडमी. तो इसको देखते रहते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है. एंड ऑल्सो सम सॉन्ग्स आर देयर. So this is Challa from the Uri movie. And this is Galwan ke Sher that was released by Indian Army in this Army Day 15th of January. And also this Swarnim Vijay Varsh, because in 2021 we have completed 50 years of our victory of 1971 war. So that's all. बस अब थोड़ा बुक रीड करेंगे एंड देन वी विल गो टू स्लीप. एंड दैट्स ऑल फॉर माई डे.